राम राम भाई सबको। तो भाई पेटी भर के अपडेट निकल कर सामने आया आज की इस वीडियो के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई आज के रॉक ऊपर हमें जो भी चीज देखने को मिला उसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिटेल में और बात कर लेते। तो सबसे पहले अगर हम लोग जे उसो के बारे में बात करें तो भाई फाइनली जे उसो का ईट वर्ड फिर से वापस आ चुका। उमर चेंडाइज भी ईट वाला ही पहन कर आए और मेरे ख्याल से भाई जे उसो का जो भी स्टोरी ड्रू मैकएंटायर के साथ चल रहा था रॉक ऊपर मेरे ख्याल से शायद वो फिनिश हो चुका है, क्योंकि ड्रू मैकएंटायर आज के रॉक ऊपर इजिली जे उसो को हरा दी। तो भाई ये स्टोरी अब और ज्यादा लंबा चलने नहीं वाला। तो भाई मेरे ख्याल से अब ड्रू मैकएंटायर को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया गया। ड्रू मैकएंटायर अब नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ जाने वाले हैं और शायद वो नेक्स्ट अपोनेंट सीएम पंक हो सकते हैं, क्योंकि भाई ड्रू मैकएंटायर आते के साथ सबसे पहले सीएम पंक को ही टारगेट किए थे। आपको शायद नेक्स्ट स्टोरी ड्रू मैकएंटायर का सीएम पंक के साथ देखने को मिल सकता है। आज के रॉ के बैक स्टोर ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे के सामने भी आए। देखते हैं कि डब्ल्यू वाले इस चीज को इम्प्लीमेंट करते या फिर ड्रू मैकएंटायर का कोई और नया अपोनेंट निकलकर सामने आता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग रिया रिप्ली के बारे में बात करें तो भाई रिया रिप्ली करंट टाइम में जितना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मतलब इनका फ्रैक्शन उतना ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। रिया रिप्ली आज के रॉक ऊपर फिर से बहुत आसान तरीके से फीमेल रेसलर को हरा चुके। उनके सामने एक नया फीमेल रेसलर भी आ चुका। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले रिया रिप्ली के सामने ऐसे ही छोटे मोटे अपोनेंट बहुत सारे लाएंगे, ऐसे ही टाइम पास बस करते रहे। नेक्स्ट में बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक हर एक स्टेप के ऊपर इस बात को प्रूफ कर देते कि वो प्रोमो कट के मामले में सच में सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है। सीएम पंक ने जो आज के रॉक ऊपर भाई प्रोमो कट किया वो सच में नेक्स्ट लेवल का मतलब प्रोमो था, मैं आपको सही बता रहा हूं। हां सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में भाई जितना भी ट्रैश टॉक होना चाहिए था सारा चीज आज के रॉक ऊपर कंप्लीट हो चुका है। सेथ रॉलिंस सामने मुंह पर बोल दिए सीएम पंक को कि मतलब आई हेट यू। सीएम पंक सामने बोल दे कि मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूं रेसलमेनिया के अंदर। हां मैं आपको बता दूं भाई आज के रॉक ऊपर इनका जो हमें फेस ऑफ देखने को मिला था करीब 11 साल बाद फिर से देखने को मिला। भाई मे बी आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं हो पर भाई जो WWE कंपनी का हाईएस्ट जो हार्डकोर फैन होगा उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट होगा। भाई आज के 11 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये दोनों रेसलर फिर से 11 साल बाद फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। वैसे भाई अगर आप लोगों ने आज के रॉक ऊपर देखा होगा तो भाई ऑडियंस यहां पर सीएम पंक को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, सेथ रॉलिंस को कम सपोर्ट कर रहा था। तो भाई जैसा कि मैं आपको बताया था भाई अब धीरे धीरे आपको सेथ रॉलिंस का आपको धीरे धीरे हिल टर्न देखने को मिलेगा बहुत ही। मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूं रेसलमेनिया 40 के अंदर जब इनका मैच होगा उससे पहले सेथ रॉलिंस एक बहुत बड़े हील रेसलर बन जाएंगे फिर से। और हां मैं आपको बता दूं आज के रॉक ऊपर भले ये दोनों रेसलर का हमें फेस ऑफ देखने को मिला पर भाई हर एक रॉक ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। सीधे अगर सीएम पंक अगर रॉयल रंबल अगर विन करते तो भाई आपको सीधे रॉयल रंबल के बाद ही दोनों रेसलर का आपको फिर से फेस ऑफ देखने को मिलेगा। वैसे भाई सीएम पंक और कोडी रोड्स दो सबसे पहले रेसलर बन चुके जो कि खुद को कंफर्म कर चुके हैं जो कि रॉयल रंबल के अंदर आने वाले हैं। हां इस बार का भी रॉयल रंबल जीतने के मामले में भाई ये दोनों रेसलर करंट टाइम में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई आज का रॉक ऊपर जिस तरीके से डब्ल्यू वाले इनका स्टोरी लाइन को बिल्कुल क्लियर कर दिया 99% कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं सीएम पंक रॉयल रंबल विन करने वाले। नेक्स्ट में बात करते हैं जजमेंट डे के बारे में। तो भाई जजमेंट डे का अब मामला धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुका आज के रॉक ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा। बैक स्टेज आप लोगों ने देखा होगा अब धीरे धीरे डेवन प्रीस्ट का झगड़ा पूरे जजमेंट डे के सारे मेंबर के साथ होना शुरू हो चुका है। जेडी मैकडोना पहले से नहीं पसंद करते हैं, फिन बैलर पहले से नहीं पसंद करते हैं, रिया रिप्ली भाई मतलब अब करंट टाइम में हेट करना शुरू कर दिया। डॉम डॉम तो भाई रिया रिप्ली का पल्लू पकड़ कर चलता। तो ओवरऑल सारे लोग करंट टाइम में हेट करना शुरू कर दिया यहाँ पर डेवन प्रीस्ट। भाई करंट टाइम में सारे मेंबर इसलिए शांत है क्योंकि भाई डेवन प्रीस्ट के पास करंट टाइम मनी इन द बैंक है, साथ ही साथ टैग टीम चैंपियंस बेल्ट है इनके पास। जैसे ही डेवन प्रीस्ट के पास टैग टीम चैंपियंस बेल्ट जाने वाला भाई उसके बाद सारे मेंबर मिलकर इनके ऊपर अटैक कर देंगे। भाई आज के रॉक ऊपर आर्ट्रूथ के ऊपर जो अटैक हुआ इसको लेकर बहुत सारे लोग करंट टाइम सोशल मीडिया के ऊपर सैड है बहुत ज्यादा। हाँ क्रीड ब्रदर नेक्स्ट चैलेंजर होने वाला भाई फिन बैलर और डेवन प्रीस्ट का, तो इसलिए क्रीड ब्रदर से यहाँ पर आकर सेव ही किया। देखो करंट टाइम में दो ही ऐसा टीम है जो कि फिन बैलर और डेवन प्रीस्ट के हाथ से टैग टीम चैंपियंस बेल्ट को लेने वाला है, मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में। तो भाई बैकी लिंच का भी स्टोरी अब करंट टाइम में नाया जैस के साथ स्टार्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले अगर चाहती तो भाई आज के रॉकों पर ही इनका स्टोरी को फिनिश कर सकती थी पर डब्ल्यू वाले भाई जानबूझकर इस स्टोरी को मतलब घसीट रही करंट टाइम। हाँ जहां तक मुझे लगता है भाई इस मंथ से पहले मतलब इनका पूरा स्टोरी खत्म हो जाने वाला, आप लोग ऐसा बिलीव करो। देखो इस मंथ में बहुत ही ज्यादा क्रिसमस डे आने वाला है भाई 10-15 दिन के बाद, तो डब्ल्यू वाले बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले। जो जैसा स्टोरी चल रहा है डब्ल्यू वाले इस मंथ के लिए उसी तरीके से पूरा स्टोरी चलाने वाले। इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं DIY के बारे में जो कि भाई फिर से आज के रॉक ऊपर गुंथर के टीम को इंपीरियम को हरा चुके हैं जो कि सच में काफी कमाल की बात है। हाँ भाई आज के रॉक ऊपर DIY का मैच जो इंपीरियम के साथ हुआ था भाई इसका तीन फायदा था, एक नहीं पूरे तीन फायदा। सबसे पहले भाई गुंथर का टीम आज के रॉक ऊपर हार गया तो इससे गुंथर अपने लॉन्डे को ऊपर फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, इनका टीम का ब्रेकअप होने वाला है, तो भाई डब्ल्यू वाले इस रास्ता को और भी ज्यादा आसान कर। सेकंड अगर हम लोग DIY टीम का बात करें तो भाई DIY टीम को फिर से विक्ट्री मिल चुका है आज के रॉक ऊपर। हाँ मैं आपको बता दूं भाई करंट टाइम में DIY ही वो टीम है जिसका करंट टाइम में सबसे ज्यादा चांसेस है फिन बैलर और डेवन प्रीस्ट के हाथ से टैग टीम चैंपियनशिप लेने का। नंबर वन पर हमारा टीम DIY हो गया, नंबर टू पर हमारा क्रीड ब्रदर्स टीम हो गया जो कि एक्चुअली हरा सकता है फिन बैलर और डेवन प्रीस्ट। ऐसे भाई अगर हम लोग एक और फायदा का बात करें तो भाई मिस को फाइनली विक्ट्री मिल चुका है, मिस फिर से चैलेंज कर दिए गुंथर। देखो यार मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं पर भाई मेरा अंतर आत्मा इस बात को बोल रहा है कि शायद से मिस भाई हरा सकते हैं गुंथर को इस बार। देखो मिस का हराने का एक नहीं बहुत सारे करंट टाइम रीजन निकल कर सामने। सबसे पहले भाई गुंथर अपने लॉन्डे के ऊपर बहुत ज्यादा भोक रहे, हर एक रॉक ऊपर उनको डांटते हैं, शायद से भाई लुवली कैजर या फिर उनके फ्रेंड गुंथर के ऊपर अटैक करते जिसके कारण मिस इस मैच के अंदर विन करते। इसके बाद सेकंड रीजन है कि भाई डब्ल्यू वाले खुद से काफी टाइम से चाह रहे गुंथर को मतलब मेन इवेंट फिगर के अंदर लाना, तो गुंथर
मेन इवेंट फिगर के अंदर तभी आएंगे जब उनके हाथ से आईसी चैंपियनशिप जब चला जाएगा। तो भाई डब्ल्यू वाले यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, गुंथर को सबसे पहले हरवा देगा, उसके बाद मेन इवेंट फिगर के अंदर उनको लेते हैं। भाई मैं बस ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई शायद से मिज यहाँ पर बाजी मार सकते, क्योंकि भाई मिज करेंटा में काफी ज्यादा डिजर्विंग बंदा भी है। आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, सारे लोग भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग कोडी रोड्स और सिंस्के नाकामुरा के बारे में बात करें, तो भाई डब्ल्यू वाले इनका स्टोरी लाइन को भी फिर से घसीटना शुरू कर दिया। आज के रॉक ऊपर सिंस्के नाकामुरा ने भाई बिमल खाकर थूक दिया कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके कारण इनका स्टोरी लाइन में फिर से इंक्रीजमेंट आ चुका है। हाँ, अगर आपको यह लग रहा है कि भाई डब्ल्यू वाले सिंस्के नाकामुरा को बहुत तगड़ा दिखा रहे हैं, फिर काफी अच्छा पुश करने वाले, तो भाई ये सब सारा चीज बकवास चीज है। कोडी रोड्स को किसी तरीके से रॉयल रंबल तक घसीट कर चलना, इसलिए डब्ल्यू वाले इन दोनों का स्टोरी लाइन को मतलब थोड़ा सा लंबा खींच रही है। वैसे भाई यहाँ पर कोडी रोड्स को सेव करने के लिए अगेन यहाँ पर क्रिएट ब्रदर्स आए थे, तो भाई डब्ल्यू वाले इनको काफी अच्छा पुश करे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखते हैं यार इनका स्टोरी लाइन कब तक मतलब चलता है, क्योंकि भाई मैं तो मतलब बिल्कुल ही मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ करंट टाइम में कोडी रोड्स। और मैं आज का नहीं बात कर रहा हूँ भाई, मैं पिछले एक साल का बात कर रहा हूँ, मैं कोडी रोड्स को कभी एंजॉय ही नहीं किया हूँ मतलब पिछले एक सालों से। वैसे भाई मैं आपको बताना भूल गया था, पर आज के रॉक पर सीएम पंक कोफी किंगस्टन से भी बैक से जाकर मिले भाई। मतलब करंट टाइम में सीएम पंक को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि मतलब ये बंदा इतना कंट्रोवर्सी करने वाला एक टाइम पर बंदा था। नेक्स्ट में बात करते हैं अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिना के बारे में, तो भाई जॉन सिना रिसेंट टाइम में एमजेएफ से मिले थे। यहाँ पर इनका कूल वाला फोटोग्राफ देख सकते हो, मेरे ख्याल से भाई सिनेमा प्रमोशन के लिए यहाँ पर मिले होंगे शायद। नेक्स्ट बात करते हैं डॉमडॉम के बारे में, तो भाई डॉमडॉम और सीएम पंक का हमें फाइनली फेस ऑफ देखने को मिल चुका है 13 सालों बाद। लिटरली भाई आज के 13 साल पहले डॉमडॉम बिल्कुल एक बच्चे दिखते थे, आप लोग सारे लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हैं। और भाई आप लोग बस फोटो देखो भाई, इस फोटो के अंदर देखो भाई डॉमडॉम यहाँ पर कितना कमीना दिख रहा है। लिटरली भाई डॉमडॉम जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ सच में नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर सीएम पंक जाकर ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज नहीं करते या फिर इनके बीच मैच नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको शायद से डॉमडॉम के साथ देखने को मिल सकता है। डब्ल्यू वाले मतलब एज फॉर टाइम पास डॉमडॉम और सीएम पंक का भी मैच वगैरह मतलब रिसेंट टाइम में करवा सकते हैं। वैसे अगर हम लोग डेवन प्रेस का बात करें, तो भाई डेवन प्रेस आज के रॉको पर अपना नेक्स्ट टारगेट वहां पर सेट कर लिया। डेवन प्रेस ने इस बात को बता दिया कि अब वो सीधे अपना मनी इन द बैंक कैश इन शायद से रेसलमेनिया के अंदर करने वाले। भाई अगर ये होता तो मेरे ख्याल से भाई पूरे 10 साल बाद रेसलमेनिया के अंदर फिर से हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा, पिछले बार सेथ रॉलिंस ने कांड किया। देखो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, डब्ल्यू वाले अगर इतने लंबे टाइम तक इनका मनी इन द बैंक को मतलब यहाँ पर सेव करके रखी, तो भाई थोड़ा टाइम और रख सकते हो। मे भी आपको शायद से डेवन प्रेस का कैश इन आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर भी देखने को मिल सकता है। भाई डब्ल्यू वाले मतलब लिटरली कुछ भी कर सकते, इनका कोई भरोसा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। बात करते अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंस के बारे में, तो भाई रोमन रेंस सोलो सिकोवा जिमी उसो पॉल हेमन चारों आने वाले नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर। हाँ मैं आपको बता दूं भाई डब्ल्यू वाले नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर मतलब 15 तारीख को डब्ल्यू वाले 22 तारीख वाला स्मैकडाउन का भी टेपिंग कर लेने वाले। एक्चुअली 22 तारीख के स्मैकडाउन के ऊपर क्या चीज होगा आपको मतलब इसी वीक के स्मैकडाउन के ऊपर आपको पता चल जाएगा सारा कुछ, और मैं आपको उसके पीछे का रीजन भी बताती हूं कि भाई क्रिसमस डे आने वाला, इसलिए डब्ल्यू वाले रेसलर को छुट्टी देने वाले। नेक्स्ट में बात करते हैं रे मिस्टोरो के बारे में, तो भाई मुझे नहीं पता, मैं आपको बताया था फिर नहीं बताता, पर भाई रे मिस्टोरो 49 ईयर के हो चुके हैं करंट टाइम। हाँ अगर वो 49 के, तो भाई मेरे ख्याल से एक दो साल अभी और रेसल कर सकते हैं शायद। इसमें बात करते हैं अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस के बारे में, तो भाई सेथ रॉलेंस के बारे में ये अपडेट निकल कर सामने है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला 2024 के अंदर। हाँ आप लोग टेंशन मत लो भाई, सेथ रॉलेंस एक लॉयल बंदा, तो तुरंत ही डब्ल्यू कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेंगे। जिस रेसलर का बुकिंग अच्छे तरीके से नहीं होता उसके साथ प्रॉब्लम होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। भाई सेथ रॉलेंस रिसेंट टाइम में इंटरव्यू के अंदर रोमन रेंस का फिर से बेइज्जती कर दिया। रोमन रेंस के बारे में ये बोले कि भाई अब रोमन रेंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता, अब सारे लोग इस बारे में बात करते कि मुझे कौन हराने वाला है, रोमन रेंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता कि रोमन रेंस को कौन सा रेसलर डिथ्रोन करेगा। वैसे भाई करंट टाइम में रोमन रेंस जो कमाल कर रहे हैं, आप सच में सुनने के बाद शौक हो जाओगे। ये स्टैटिक्स देखो, 2020 में रोमन रेंस चैंपियन थे, 2021 में चैंपियन थे, 22 में चैंपियन थे, 23 में चैंपियन थे, 24 में भी चैंपियन रहे। मतलब भाई लगातार 5 सालों तक 1 जनवरी के दिन रोमन रेंस चैंपियन थे, मतलब आप लोग समझ रहे हो मतलब कितना बड़ा इफेक्ट है। लिटरली भाई ये बंदा पिछले 5 सालों से चैंपियन है, अभी 1-2 साल अभी और चैंपियन रहने वाला है। इसमें बात करते हैं निकी क्रॉस के बारे में, तो भाई निकी क्रॉस को लेकर डब्ल्यू वाले क्या कुछ करने वाले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग देख सकते हैं बैकलिन जब आ रही थी रॉक ऊपर, तो पीछे से निकी क्रॉस बैठी हुई थी। वैसे भाई आज का वीडियो करने इतना ही था, सबको राम राम। भाई वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।